आपको बताओ कि शेख अब्दुल कादर जिलानी, बताइए आपके जो बेनमाजी हैं उनका क्या आलम है, बताइए आप उन लोग मतलब कितनी वईदें हैं। रावी बयान करते हैं कि जो है किताबों में लिखा हुआ है, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहीमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, अर्ज करने लगा कि हजरत कारोबार में बरकत है। तवज्जो फरमाइए मोहतरमा इकराम, कारोबार में जो है बरकत है, सुकून है, मगर चंद दिनों से देख रहा हूँ मेरे कारोबार में बरकत खत्म हो गई है, सुकून खत्म हो गया है, जो है अब मैं जो है आपके पास आया हूँ, आप कुछ वजीफा बता दीजिए। तो मोहतरम हाजरे इकराम तवज्जो फरमाइए कि आप फरमाते हैं क्या तू नमाजी है, हाँ मैं नमाजी हूँ। फरमाए कि तू ज़कात सदका देने वाला है, हाँ मैं ज़कात सदका देने वाला हूँ। तो अर्ज करने लगे क्या तेरे घर के पास पर्दा लगा हुआ है। तवज्जो फरमाइए हाजरे इकराम, अर्ज करने लगे नहीं मेरे घर के पास पर्दा नहीं है। तो सुन, तेरे घर के करीब पे, तेरे घर के करीब में से एक बेनमाजी गया, वो बेनमाजी का साया तेरे घर में पड़ना पड़ा, वो घर में पड़ने से जो है तेरे नमाज जो है घर की बरकत खत्म हो गई। तवज्जो फरमाइए कि अगर बेनमाजी का साया घर में पड़ गया तो जो है उसके घर से बरकत खत्म हो गई, रौनक अनवारा तजल्लियात खत्म हो गए, तो जो है हमारे घर में हम कितनी नमाजी, हम कितने नमाजी हैं, हम जो है हुजूर को चाहने वाले हैं, हुजूर को मानने वाले।